हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सूचनारों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की दुनिया अपडेट के साथ फिर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो जैसा कि आप सबको सुबह मैंने बताया ही था कि एक वीडियो मैं अलग से इसकी बना के बताऊंगा, तो उसी की वीडियो है किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद पर, जो खिदमात के तहत सऊदी अरब से आते जाते वक्त इमिग्रेशन की कार्रवाई अंजाम देने के लिए मशीन लगा दी गई है। यह सहूलत सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्की दोनों के लिए पासपोर्ट इमिग्रेशन कार्रवाई के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम का तजुर्बा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके मुताबिक मैंने आपको सुबह बताया था, तो आज इस वीडियो में पूरी न्यूज़ हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। सऊदी महकमे पासपोर्ट के डायरेक्टर ने अलग अलग अहदेदारों की मौजूदगी में इस सर्विस का उद्घाटन किया। मुसाफिर हजरात मुमलकत आते जाते वक्त इमिग्रेशन की कार्रवाई इन मशीनों की मदद से कर सकेंगे। उन्हें इस मकसद के लिए महकमे पासपोर्ट के अहलकारों के काउंटर पर जाना जरूरी नहीं होगा। इमिग्रेशन की कार्रवाई खुद अंजाम देने का तजुर्बा किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू किया गया। कामयाब होने पर सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्टों पर लगा दिया जाएगा। इस मशीन पर अपना पासपोर्ट रखना होगा। मशीन पासपोर्ट को स्कैन करेगा, उसके बाद मुसाफिर का फिंगरप्रिंट को कहा जाएगा कि वहाँ पर रखे, ये चेक करने के लिए कि यह पासपोर्ट उसी का है या नहीं। जब वो फिंगर रखेगा तो उसका जो पूरा स्कैन होगा वो पूरा मुकम्मल, यानी जो डाटा होगा वो पूरा डाटा निकालने के बाद कुछ ही सेकंड में मशीन से पर्ची निकलेगी। जो अगर आप खुरुच ओहदे पे जा रहे हो तो खुरुच ओहदे की पर्ची निकलेगी, या खुरुच निहाई पे जा रहे हो तो खुरुच निहाई की पर्ची निकलेगी उसमें से। दोस्तों, उस पर्ची को आपको ले लेना है, और जैसा कि हम सबको पता ही है कि जब हम लोग काउंटर के पास जाते हैं तो हमको स्टम्प मारा जाता है, तो वो स्टम्प नहीं लगेगा, वो पर्ची निकलेगी, आपको उस पर्ची से ही जाना पड़ेगा। सब कुछ यानी इलेक्ट्रॉनिक होगा। अगर ये तजुर्बा काम कर जाता है, ये मशीन काम कर जाती है, फिर आलिए ये कुछ टाइम के लिए मशीन लगाई गई है ये चेक करने के लिए कि ये अच्छे से वर्क करती है या नहीं, या वो अच्छे से वर्क करेगी या नहीं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो लाइन में इंसान को लगना पड़ता है वो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आराम से इंसान को काम हो जाएगा और फटाफट हो जाएगा। और जब ये कामयाब हो जाएगा तो ये सऊदी अरब के तमाम यानी एयरपोर्ट, जितने भी एयरपोर्ट हैं, हर जगह पर लगा दिया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही आपको बताना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।